पॉपुलर सिंगर राहुल जैन के ऊपर एक बार फिर से मुसीबतों का साया मंडरा रहा है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबरें ये सामने आ रही है कि मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 21 साल की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने राहुल के खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। जी हाँ, सही सुना आपने। 30 साल की इस महिला का कहना है कि राहुल ने उन्हें अपने मुंबई वाले फ्लैट में बुलाकर उनके साथ रेप किया था और ये घटना 2020 की है, जब वह महिला काम के सिलसिले में राहुल के घर गई थी। डिजाइनर ने पुलिस को ये भी बताया कि जब उसने इस अपराध को रोकने की कोशिश की तो राहुल ने उन्हें मारा पीटा और सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की। इसलिए अब पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए राहुल के खिलाफ IPC की धारा 376 यानी रेप की सजा, 323 यानी चोट पहुंचाने की सजा और 506 यानी आपराधिक धमकी देने के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले को लेकर कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन इतना सब होने के बाद राहुल भी कहां चुप होने वाले थे। राहुल ने भी अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि मैं इस महिला को नहीं जानता, उसके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद है। पहले भी एक महिला ने मुझ पर इसी तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन मुझे इंसाफ मिला और ये महिला उसकी साथी हो सकती है। आपको बता दें, राहुल इससे पहले भी सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में फंस चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इससे पहले भी एक बॉलीवुड लिरिक्स ने राहुल के खिलाफ रेप, अबॉर्शन और धोखा देने की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि इस केस में राहुल निर्दोष पाए गए थे, पर अब इस डिजाइनर ने एक बार फिर से राहुल को परेशानियों में डाल दिया है। अब इस केस में कौन दोषी पाया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस केस की सभी अपडेट्स के लिए और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।